सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को लेटेस्ट टेक न्यूज और रोजगार न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। और आप चाहते हैं कि सबसे पहले हमारा कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको मिले, तो साथ में दबाइए बेल आइकन को। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जीशान और आप देख रहे हैं डिजी ग्लास। चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख रहे हैं आप खुशखबरी, उत्तर प्रदेश में 97,000 शिक्षक भर्ती जल्द, योगी आदित्यनाथ। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि 97,000 शिक्षक बहाली करने जा रही है, लगभग 1 लाख दोस्तों। बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ है दोस्तों ये यूपी वालों के लिए। चलिए हम दिखाते हैं आपको, क्योंकि ये खुद मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है इसका। देखिए, प्रदेश में 97,000 शिक्षकों की भर्ती जल्द होगी, यह घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने के कार्यक्रम में की। इस खबर को हिंदुस्तान ने 28 अगस्त को दोस्तों प्रकाशित किया था, और इस भर्ती को 21 दिसंबर तक नियुक्ति देने की तैयारी है दोस्तों। आपको 31 दिसंबर तक नियुक्ति हो जाएगी, जो 97,000 शिक्षक का नियुक्ति निकलने वाला है। शिक्षा मित्रों को समायोजन रद्द होने के बाद राज्य सरकार ने 1.37 लाख पदों पर भर्ती करने की प्रक्रिया शुरू की थी। इसे दो भागों में विभाजित कर 68,500 पदों पर भर्ती इसी वर्ष शुरू की गई थी, और इस भर्ती की लिखित परीक्षा में कुल 41,555 अभ्यर्थी ही सफल हो पाए। वहीं पर जो दिखा रहे हैं, यहाँ पर देखिए आपको 40,787 अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं, और 768 अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा ही नहीं लिया। यह है अपडेट जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। चलिए आप नीचे दिखाते हैं। ये दोस्तों, इन अभ्यर्थियों को कहीं दूसरी नौकरी मिल गई या इन्हें अर्हताओं को पूरे नहीं करते हैं, और इसी भर्ती में 27,713 पद जो है दोस्तों वो रिक्त रह गए थे। इन्हें दूसरे चरण की 68,500 भर्तियों में जोड़कर लगभग 97,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, और इस भर्ती जो है, ये जो भर्ती है, ये प्रक्रिया सितंबर से शुरू हो रही है, यानी इसी महीने से। और इसमें सबसे पहले अध्यापक पात्रता यानी जो टेट जो परीक्षा होता है दोस्तों, वो शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा, और इसके बाद भर्ती के लिए आवेदन पत्र लिए जाएंगे, जो कि 15 सितंबर से टेट आवेदन शुरू होंगे और 30 अक्टूबर को टेट की जो है परीक्षा वो ली जाएगी। तो देखिए, आप सारा अपडेट आपको धीरे धीरे आ रहा है कि कब आवेदन होगा, कब एग्ज़ाम होगा, और परीक्षा के जो बाद जो दोस्तों सितंबर में सफल अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा ली जाएगी, और 31 दिसंबर तक नियुक्ति पत्र भी हाथों हाथ मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सारा अपडेट यहाँ पर निकल के आ रहा है, कितनी वैकेंसी है, कब क्या होगा, कब एग्जाम होगा और कब नियुक्ति पत्र। सबसे बड़ी बात दोस्तों कि आपको 31 दिसंबर तक नियुक्ति पत्र भी मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कितना फास्ट काम होगा दोस्तों। देखिए, पहले राज्य सरकार की इस भर्ती को फरवरी 2019 में करने की योजना थी, लेकिन स्कूलों में शिक्षकों की कमी और लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र इस भर्ती को जल्द पूरा करने पर काम शुरू कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सारा अपडेट मैं आपको दिखा दिया दोस्तों। जो यूपी के लोग हैं वो आसानी से अपना टेट के लिए तैयारी कीजिए, क्योंकि दोस्तों टाइम बहुत कम है। ये सितंबर महीना है, आपका टेट का आवेदन शुरू हो जाएगा 15 सितंबर से, और 30 अक्टूबर को इसका एग्ज़ाम भी लिया जाएगा, और 31 दिसंबर तक दोस्तों आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छा लगे तो लाइक बटन को जरूर दबा दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।